बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद महागठबंधन लगातार हमला बोल रही है। महागठबंधन ने यहां तक कह डाला कि एनडीए की सरकार जनादेश का गला घोटकर बनाया गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में रोष यहां तक था कि नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाना मुनासिब नहीं समझा। शपथ ग्रहण के मात्र 2 दिनों के बाद विपक्षी दल लगातार हमलावर बनी हुई है। इधर राजद सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को 4 महीने तक चुप रहने को कहा है, शायद उन्हें अपनी गलतियों का अंदाजा हो गया है। मनोज झा ने अपने ट्वीट पर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश कर्नाटक से विलग बीजेपी फोर्ट इंडिया का बिहार में ऑपरेशन कमल कुछ अलग चलाया जा रहा है। विश्व की सबसे विशाल पार्टी ने अपने मंत्रियों और विधायकों से 4 महीने चुपचाप रहने को कहा है, शायद यह बात उन्हें भी समझ आ रही होगी, उन्हें अस्थायी तौर पर कुर्सी मिली है।